वेट कम करने के लिए आजकल लोगों के पास इतनी चॉइसेस है, जिम, जुम्बा, एरोबिक्स, योगा, वेट कम करने के सप्लीमेंट्स। इसके सिवा लोग अलग अलग होम रेमेडीज भी ट्राई करते हैं वेट कम करने के लिए। कुछ लोगों पे इफेक्ट होता है होम रेमेडीज का और कुछ लोगों पे नहीं होता है। होम रेमेडीज से वेट कम नहीं हुआ तो जिम, एरोबिक्स ये सब ऑप्शंस ट्राई करेंगे। मतलब वेट हद से ज्यादा बढ़ता है तब उसे कम करना एक जंग जीतना जितना मुश्किल हो जाता है। पहले से हम सब सुनते आ रहे हैं योगा करना सबके लिए अच्छा होता है, क्योंकि योगा आयुर्वेद का एक्सरसाइज फॉर्म है जिससे हेल्थ को काफी फायदे होते हैं। लेकिन कुछ लोगों को योगा करना नहीं पसंद आता है, क्योंकि ज्यादातर योगा सूरज उगने से पहले किया जाता है। अब ज्यादातर लोग इतना जल्दी उठना पसंद नहीं करते, तो फिर क्या करना चाहिए? क्या आप जानते हैं लोगों की पसंद नापसंद, लोगों का व्यवहार सब उनके राशि पे डिपेंड करता है? तो चलिए उदाहरण देती हूँ इस बात पे। जैसे कन्या राशि के लोग खुद को हर काम में परफेक्ट रखना चाहते हैं, इसीलिए वो छोटे से छोटे काम में परफेक्शन देखते हैं। उसी तरह से हम मीन राशि वाले लोग काफी शांत रहने वाले इंसान होते हैं। ऐसे शांत रहने वाले लोग जिम, लाउड म्यूजिक में एरोबिक्स ये सब नहीं कर सकते और उन्हें योगा या फिर मेडिटेशन करना ज्यादा अच्छा लगता है। तो जैसे 12 राशि है, सब राशि के लोगों की कुछ अलग अलग पसंद नापसंद होती है। और उसी तरह वेट कम करने के लिए अगर आपकी राशि मीन है और आप एरोबिक्स या जिम ज्वाइन करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आपने कभी अपने राशि के हिसाब से वेट कम करना ट्राई किया है? सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है ना? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी राशि के लोग को कैसे वेट कम करना चाहिए। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए देखते हैं कि सभी 12 राशि के लोगों को क्या करना चाहिए वेट कम करने के लिए। मेष राशि के लोगों को स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट होता है, तो उन्हें बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट ऐसे कोई भी स्पोर्ट्स खेलने चाहिए, क्योंकि मेष राशि वाले लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। अगर उन्हें मेडिटेशन करने बोलेंगे तो शायद बोर होके सो जाएंगे। इसीलिए मेष राशि के लोग ऐसा कोई स्पोर्ट एक्टिविटी करे जिससे बोर नहीं होगा और वेट कम करने में भी काफी असर करेगा। वृषभ राशि के लोग ज्यादा टाइम तक एक ही वर्कआउट रूटीन फॉलो नहीं कर सकते हैं, यानी वो रोज एक ही जिम एक्सरसाइज लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए वृषभ राशि के लोग डांस क्लास ज्वाइन करें तो ज्यादा अच्छा होगा। डांस के कई अलग टाइप्स होते हैं और डांस करना भी एक एक्सरसाइज है, जिससे वेट भी कम होगा और जिनको डांस पसंद है वो एंजॉय भी करेंगे। मतलब योगा और जिम जैसा बोरिंग नहीं होगा डांस उनके लिए। मिथुन एडवेंचर्स की बात करें तो मिथुन राशि के लोग एडवेंचरस एक्टिविटी करना हमेशा रेडी होते हैं। मतलब उन्हें एडवेंचर वाले एक्सरसाइज करने मिले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अब डेली एडवेंचर कैसे करें? रोज ट्रैकिंग करना तो मुमकिन नहीं है, तो मिथुन राशि के लोग रोज फास्ट वॉकिंग या फास्ट रनिंग कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा स्पोर्ट्स खेल ले जो इंटरेस्टिंग बहुत है। कर्क राशि के लोग को पानी काफी अट्रैक्ट करता है और इसीलिए उन्हें एक्सरसाइज के लिए स्विमिंग करना ज्यादा अच्छा होगा। और स्विमिंग करने में भी बॉडी के अलग मूवमेंट्स होते हैं जिससे एक्सरसाइज भी होगा और ये आपको वेट कम करने के लिए भी मदद करेगा। कर्क राशि वाले वेट कम करने के लिए स्विमिंग जरूर ट्राई करें। सिंह राशि के लोग बहुत अच्छे डांसर्स होते हैं और इसीलिए वेट कम करने के लिए डांस क्लासेस जा सकते हैं। उसके सिवा सिंह राशि वाले स्पोर्ट्स में भी काफी इंटरेस्टेड होते हैं, इसीलिए आप कोई ऐसा स्पोर्ट्स खेले जिससे बॉडी को फिट रख सके। लेकिन मेडिटेशन या योगा करना सिंह राशि वालों से नहीं होगा, क्योंकि वो एक जगह काफी वक्त बैठ नहीं सकते। कन्या जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था, कन्या राशि के लोग सब काम में बहुत परफेक्शन रखते हैं। कन्या के लोग काफी हाइपर एक्टिव होते हैं, यानी उन्हें थोड़ा भी धीरज नहीं होता है। कोई काम में उन्हें जल्दी रिजल्ट नहीं मिला तो हिम्मत हारते हैं, इसीलिए कन्या राशि वाले जिम, एरोबिक्स जैसे एक्सरसाइज नहीं करेंगे। वेट लॉस होने में काफी वक्त लगता है और माइंड भी रिलैक्स नहीं रहता है, इसीलिए कन्या राशि के लोग एक्सरसाइज में मेडिटेशन करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। योगा में भी वक्त लगता है वेट कम करने में, लेकिन उससे माइंड रिलैक्स रहेगा और बार बार वेट कम करने का टेंशन नहीं आएगा। तुला राशि वालों को ज्यादातर डाइट्स और न्यूट्रिएंट के एक्सरसाइज करना पसंद नहीं आता। तुला राशि के लोग को कुछ ऐसा चाहिए जो उनके रोज के शेड्यूल में फिट हो जाए, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कोई कपल एक्सरसाइज करे। जिम या एरोबिक्स में कपल एक्सरसाइज होते हैं, या फिर आप ऐसे एक्सरसाइज फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हैं, जैसे म्यूजिक के साथ एक्सरसाइज करने से बोर नहीं होता है। वैसे ही एक्सरसाइज करने में कोई कंपनी होगी तो वो बोर नहीं होंगे। वृश्चिक
जैसे वृश्चिक राशि का सिंबल है स्कॉर्पियो, उसी तरह वृश्चिक के लोग बहुत रफ एंड टफ टाइप के होते हैं। मतलब उन्हें जिम का हैवी वेट ट्रेनिंग, किक बॉक्सिंग, कराटे, ये सब करना ज्यादा पसंद आता है। तो वृश्चिक राशि के लोग मेडिटेशन, डांस, योगा, ये सब नहीं करे तो अच्छा है। धनु, धनु राशि वाले लोगों को फन एंजॉयमेंट करना ज्यादा पसंद आता है, इसीलिए वर्कआउट में काफी डिफरेंट वैरायटीज चाहिए होती है। रोज ही एक टाइप के बोरिंग एक्सरसाइज करना धनु राशि वालों से नहीं होगा, इसीलिए इन लोगों को वीक में कभी कभार ट्रैकिंग, हाइकिंग, वॉल क्लाइंबिंग जैसे एडवेंचर करने चाहिए। मकर, मकर राशि के लोग भी कन्या राशि वालों जैसे ही थोड़े सेम होते हैं, लेकिन मकर राशि वाले स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन होते हैं, इसीलिए उन्हें डेली जिम जाना या फिर योगा करना बोरिंग नहीं लगता है। तो मकर राशि के लोग डेली जिम या योगा करें तो अच्छा है उनके लिए। कुंभ, कुंभ राशि वालों को अलग अलग चैलेंजेस लेना और एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए कुंभ राशि के लोग जिम, योगा, एरोबिक्स, मेडिटेशन, इनमें से कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। इस राशि के लोग बहुत एनर्जेटिक भी होते हैं, इसीलिए ये कोई भी एक्सरसाइज एंजॉयमेंट लेके करेंगे। तो कुंभ राशि वाले कोई भी एक्सरसाइज करे वेट कम करने के लिए, लेकिन ध्यान रखे कि एक्साइटमेंट में बहुत मुश्किल एक्सरसाइज बिना किसी गाइडेंस के ना करे। मीन, मीन राशि वाले काफी शांत रहने वालों में से होते हैं, इसीलिए वो ज्यादातर अपने ख्यालों में खोए रहते हैं। तो इनके माइंड को सुबह के वक्त रिचार्ज करने के लिए मेडिटेशन करना ज्यादा अच्छा रहेगा, और इसके सिवा एक्सरसाइज के लिए फास्ट वॉकिंग, रनिंग या फिर साइकिलिंग भी कर सकते हैं, जिससे वेट कम होने में भी मदद मिलेगी। तो ये थे सारे 12 राशियों के लिए अलग अलग वेट कम करने के तरीके। आप अपने राशि के हिसाब से जरूर ये एक्सरसाइज ट्राई करके देखेंगे। इससे आपको वेट कम करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए उसका कंफ्यूजन भी नहीं होगा। और आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है वो भी कमेंट में मेंशन जरूर करें। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।